जे अंदरूनी बात करा तो सारे संगठन में फूट हो रही है, एक दूसरे की टांग खींचने का काम शुरू हो रहा है, जो एकता पहले थी किसानों की वो अब नहीं है। हम आप दिखानी पड़ेगी ना, अब भर जोड़ो यात्रा तो ले ली, लेकिन समस्या तो मुद्दे तो हम दिखावांगे ना कि आप ये तो कर रहे हो, मारे खेल के हो रहा है। उससे पहले अजय चौटाला पत्थर लगवा गया, अजय चौटाला पे भाई कोई काम कर रहा है उड़े, और उड़े कोई अपना नाम दे दे तो कोई गलत काम नहीं होता, ठीक है भाई? बात कहीं ना कहीं घुमान लग रहे हैं, चलो आपकी बात ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बात और अपने बड़े बुजुर्ग ने बताई है, अगर मारे कोई शुभ कार्य में कोई मारा दुश्मन भी आ जाना तो उसको धक्का मार कर नहीं निकाला करे, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। बाकी दुश्मन चीफ गेस्ट को नहीं आकर इस बात नारे छोड़ेंगे आज। दोस्तों नमस्कार भाई, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। फिलहाल एक बार लाइव तस्वीरें देख लो भाई, पीछे तक तस्वीर हम देखने लग रहे हो, किसान आंदोलन की वो झलक जो मुजफ्फरनगर में आपने देखी थी वो चीज आज दोबारा आपने देखने मिल गई है। किसान नेता बड़े बड़े नेता उधर पहुंचेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते जी। तो भाई इन चेहरे ने आप पिछाड़ो हो, पहले आंदोलन में 1.5 साल तक जो है आंदोलन में बड़े सक्रिय रहे, बड़ा योगदान इनका रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज यह रैली करके के साबित करना चाहो, दोबारा सरकार ने के चीज दिखाना चाहो? सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की है। जिन मांगों को लेके हमने अपना आंदोलन सस्पेंड किया था, खत्म नहीं किया था, खत्म तभी होगा जब हमारी मांगे सारी पूरी हो जाएंगी। हमारे जो निर्दोष भाई हैं लखीमपुर खीरी में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी गलती नहीं, वो जेल काट रहे हैं। और जो गुनहगार है जिन्होंने हमारे 5 भाइयों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, वो आज आजाद घूम रहे हैं। और जो हमारी मांगे थी, हमारे भाइयों पे जो केस लगे थे, वो सारे केस अभी तक वापिस नहीं हुए हैं। जितनी भी मांगे थी, बिजली का बिल वापिस नहीं हुआ है, तो उसके लिए आज नई रणनीति बनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। और देश के हर कोने कोने से यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा हम उनके साथ हैं। एक बात का बड़ा डाउट चल रहा है कि वैसे तो बताया जा रहा है कि एक झंडे के नीचे इकट्ठे होने लग रहे सारे भाई, किसानी के झंडे के नीचे, लेकिन जो अंदरूनी बात करा तो सारे संगठन में फूट हो रही है, एक दूसरे की टांग खींचने का काम शुरू हो रहा है, जो एकता पहले थी किसानों की वो अब नहीं है। हम आपस में कितना भी लड़े, कितना भी नाराज हो, लेकिन जब बात सरकार से लड़ने की आएगी, जब बात हमारे किसानों के हित की आएगी, हम सब एक हैं। आज यहाँ पे आप देखिए, मंडी में पैर रखने की जगह नहीं है, देश के हर कोने से लोग आए हुए हैं, हर राज्य से आए हुए हैं, और हर संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सरकार ये ना सोचे कि हम एक नहीं है, अगर बात सरकार से करनी है तो सारे संगठन एक हैं। और तू तू मैं भाई सारे मोहत आपस में सगे भाइयों में भी होती है, और ऐसे हमारे है ना विचार अलग अलग नहीं है, हमारा मकसद एक ही है, किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ना। भाई बेबे तो आपने सवाल करा, बेबे ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, लेकिन एक छोटा जवाब हम भी दे देते हैं। जहाँ परिवार बड़ा होता है ना, तो वहाँ थोड़ा मन मुटाव चलता रहता है। सरकार को ये बहम ना हो जाए, गलत फहमी में ना रह जाए कि जो है ना संगठन है वो फूट है। जहाँ हमारे किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे होंगे, जहाँ हमारी नस्ल और फसलों के लिए जो है ना मुद्दे होंगे, वहाँ ये संगठन एक होंगे। आपस में चाहे हम भीतर भीतर कटला मरला, लेकिन यहाँ सरकार के सामने और सरकार को घुटने टिकाने के लिए एक हम एक रहेंगे। पहले की अगर मैं बात करूं, पहले सरकार के लोग कहा करते कि भाई ये दूसरी पार्टी के बुलाए उड़े लोग हैं, लेकिन फिलहाल पिछले दिनों की जब बात करा, राकेश टिकैत के ऊपर बहुत आरोप लगने लग रहे हैं, फोटो भी वायरल हुए हैं, और खुल के भी कह दिया भाई कांग्रेस में शामिल होगे, उसके ऊपर क्या कहोगे भाई? दिखा दो कहां होगे, जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगे भाई? बात सुन, शामिल ना हुए, बुलाए गए थे राहुल जी, बुलाए गए थे कि भाई मारी ये समस्या है, समस्या तो हमें दिखानी पड़ेगी ना, अब भर जोड़ो यात्रा तो ले ली, लेकिन समस्या तो मुद्दे तो हम दिखावांगे ना कि आप ये तो कर रहे हो, मारे खेल के हो रहा है। उससे पहले अजय चौटाला पत्थर लगवा गया, अजय चौटाला पे भाई कोई काम कर रहा है उड़े, और उड़े कोई अपना नाम दे दे तो कोई गलत काम नहीं होता, ठीक है भाई? बात कहीं ना कहीं घुमान लग रहे हैं, चलो आपकी बात ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बात और अपने बड़े बुजुर्ग ने बताई है, अगर मारे कोई शुभ कार्य में कोई मारा दुश्मन भी आ जाना तो उसको धक्का मार कर नहीं निकाला करे, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। बाकी दुश्मन चीफ गेस्ट को नहीं आकर इस बात नारे छोड़ेंगे आज। कितने लोग अपनी रैली में पहुंचेंगे वो आपका मीडिया का काम है गिनना कि कितनी जनसंख्या आई। मैं ये कहूंगी कि मंडी में पैर रखने की जगह नहीं है, और इतनी बड़ी रैली होने वाली है कि हरियाणा में इससे पहले इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हुए होंगे। आप पंजाब की तरफ से देखिए, बसों की लाइन टूट रही है। जब
ने इंतजाम कर दिया सारा, जाम हो चुका है जी, जाम हो चुका है। इतनी बसें आ रही हैं भर भर के, मातृ शक्ति की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे खुशी की बात यह है कि महिलाएं 50% से भी 60% महिलाएं यहाँ पे पहुँच रही है, ये एक खुशी की बात है। मुजफ्फरनगर की दौड़ आपकी याद है मेरे को, मुजफ्फरनगर में ज्यादा लेके गए थे, आप साथ में ज्यादा लेके आए? आज डबल आ रही है, आज डबल आ रही है क्योंकि वहाँ काफी दूर भी पड़ा था और जो है ना 2 दिन का प्रोग्राम था, किसी ने आधार कार्ड नहीं, किसी के घर में रोटी पोने वाला नहीं, आज जो है ना 6 गाड़ी है और सुनने वाली शादी आ गई, नहीं तो 4 गाड़ी हो रहा है। लेकिन आज सावा जो है बसंत पंचमी है तो इसलिए शादियाँ बहुत ज्यादा है, नहीं तो 4 गाड़ी और तैयार थी। आज यहाँ पे से भी रैलियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो भाई मुजफ्फरनगर तो बड़ी रैली होने वाली है, एक बार नारा लगाएंगे किसान एकता का, किसान एकता। फिलहाल पूरा आज का प्रोग्राम आपने दिखाने का काम करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।